हेलो दोस्तों, हिंदी टेक ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं राजदीप और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं लेनोवो P2 का कैमरा। सो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो लेनोवो P2 आता है 13 MP रियर कैमरा और 5 MP फ्रंट कैमरे के साथ, जिसमें हमें मिलती है रियर कैमरे में फुल HD रिकॉर्डिंग और अल्ट्रा HD 4K रिकॉर्डिंग और फ्रंट कैमरा में फुल HD 1080 रिकॉर्डिंग। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके बैक कैमरे फ़ोटोज़ की, तो इस कैमरे से कैप्चर किए हुए फ़ोटोज़ काफ़ी ब्राइट है, कलर रिप्रोडक्शन काफ़ी अच्छा है और क्लैरिटी की अगर बात करें तो इमेजेस काफ़ी क्लियर है। सो डेलाइट में इसका बैक कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। इसके बाद हम बात करें इसके फ्रंट कैमरा की, तो इससे कैप्चर की हुई इमेजेस काफ़ी एवरेज है, कोई बहुत खास क्वालिटी इसमें मुझे नहीं लगी। वीडियो रिकॉर्डिंग की अगर बात हम करें तो हमें इसके बैक कैमरा में ऑप्शन मिलता है फुल HD 1080 रिकॉर्डिंग का और अल्ट्रा HD 4K रिकॉर्डिंग का। सो जो फुल HD रिकॉर्डिंग है इस फ़ोन की, उसकी क्वालिटी काफ़ी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी नहीं बोल सकते और बुरी भी नहीं है, सो एवरेज क्वालिटी है। उसके बाद जो 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन दिया हुआ है वो भी काफ़ी एवरेज है, क्वालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, चाहे आप 1080 में रिकॉर्ड करें या फिर 4K में। इसके बाद इसके फ्रंट कैमरा में आपको ऑप्शन मिलता है फुल HD रिकॉर्डिंग का। सो इसकी जो रिकॉर्डिंग क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, कलर्स काफ़ी ब्राइट है और वीडियोस की क्लैरिटी भी अच्छी है। सो फ्रंट कैमरा की जो रिकॉर्डिंग है वो अबो एवरेज है। इसके बाद मैंने इस कैमरा को रात में टेस्ट किया, सो बैक कैमरे से कैप्चर की हुई इमेजेस काफ़ी एवरेज है, लेकिन फ्लैश के साथ जो पिक्चर्स कैप्चर की है उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद बात करें अगर फ्रंट कैमरा की, तो रात में स्ट्रीट लाइट में पिक्चर मैंने कैप्चर की तो क्वालिटी ठीक ठाक आई। उसके बाद हम बात करें कि नाइट में वीडियो क्वालिटी की, तो सबसे पहले मैंने फुल HD में रिकॉर्डिंग की तो जो क्वालिटी मिली काफ़ी एवरेज थी, लो लाइट में इसका कैमरा जो है वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। इसके बाद हमने देखे 4K रिकॉर्डिंग तो नाइट में, तो उसकी क्वालिटी भी काफ़ी एवरेज है। सो दोस्तों, अगर आप सिर्फ कैमरे के लिए ये फ़ोन ख़रीद रहे हैं तो आपके पास दूसरे भी ऑप्शन हैं, क्योंकि इसका कैमरा काफ़ी एवरेज है और अगर आप एक अच्छी बैटरी, एक अच्छा डिस्प्ले और अच्छा परफॉर्मेंस वाला फ़ोन और एक एवरेज कैमरे के साथ अगर आप जाना चाहते हैं तो इस फ़ोन के साथ बिल्कुल आप जा सकते हैं। एट लास्ट मैं कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो सैम्पल्स ऐड कर रहा हूँ, आप खुद देख कर जज कर सकते हैं इस फ़ोन की क्वालिटी।
दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।